भाइयों बहुत बड़ा टास्क है यार। ना कि मुझे बेड सीखना नहीं आता। नहीं नहीं मैंने कब लोग फिर से पेश है एक नई रेसिपी के साथ। देखिए बिस्किट चोर दिख रहा है यहाँ पे एक दूर से। नहीं अफगानिस्तान वाले हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो गई है। काफी देर से मैं वेट कर रहा हूँ कि मिल्क का पैकेट आएगा, लेकिन अभी तक मिल्क का पैकेट नहीं आया है। काफी टाइम हो गया है, क्योंकि आपको भी पता है यार ठंड होती है, तो ठंड में तो सुबह सुबह चाय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अब दूध नहीं आया तो फिर जाना पड़ेगा मुझे खुद ही लेने। जाऊंगा दूध लेके आता हूँ, फिर प्राची चाय बनाएगी। काफ़ी देर वेट कर लिया है, लगता है आएगा नहीं मिल्क। जाना ही पड़ेगा यार फाइनली इतनी ठंड में, यार कपड़े पहन के देख रहे हो ठंड कितनी यार, कैप पहननी पड़ रही है मुझे। चलो चलते हैं दूध लेके आते हैं, और क्या कर सकते हैं। ज़्यादा ही ठंड है यार, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। चलो फाइनली कोई तो दुकान खुली हुई है भैया। 50-50 चस्का वाला बड़ा पैकेट नहीं है क्या? बहुत ज्यादा ठंड है यार भाई। 7:30 बजे कौन सी दुकान खुलती है? फाइनली दुकान तो मिली, दुकान के बाद चाय। भाइयों बहुत बड़ा टास्क है यार, सुबह सुबह ब्लैंकेट से निकल के और दूध का पैकेट लेने जाना, ब्रेड लाना, हालत ख़राब हो जाती है भाई। ठंड में निकलने का मन नहीं होता है बिल्कुल भी, बता नहीं सकता मैं अभी मेरा क्या हाल हो रहा है। ये लो भाई, बहुत ठंड है यार प्राची बाहर, यार बहुत ज़्यादा ठंड है। अब्बा अरे पानी चढ़ा दिया था तुमने? यार प्राची थोड़ा जल्दी चाय बना दो यार, बहुत तेज़ चाय पीने की इच्छा हो रही है। टाइम लगेगा प्राची? बहुत ठंडे, बहुत ठंडे। ठंड में ठंड नहीं होगी तो क्या होगा? क्या हुआ, ठंड ज्यादा है क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। अच्छी खासी ठंड है भाई। इतनी भी ठंड नहीं है। बोला ये दिखा रहे हो ना कि मुझे बेड सीखना नहीं आता? नहीं नहीं मैंने कब बोला? नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं सब समझ रही हूँ। प्राची मैं कुछ हेल्प कर दूं? नहीं, चाय बना दूं मैं? नो। ब्रेड बना दूं? नहीं, यार कुछ तो बनाने दिया करो मेरे को। ब्रेड भी दे दो यार, ब्रेड भी चाहिए। आज एक चीज तो भूल ही गया मैं करना। ओहो, भूल गया भाई, भूल गया। याद है मुझे। मारी प्यारी मछलियाँ, इनको पता है खाना नहीं मिला है। देखो देखो अभी कैसे करेगी, ऊपर आएगी। ये ऊपर आ रही, भूख लग रही है। ये देखो इनको भूख लग रही है ना प्राची? ये देखो अभी देखना, टुक टुक टुक। ये देखो अभी जैसे ही मैं इनको थोड़ा सा इनका खाना दूंगा, तुरंत ऊपर भागेगी। ये ले, ये देखो, ये आई, भयंकर भूख लगी यार। इनको टाइमली फीड करना जरूरी है। खा लिया? आप लोग सोच रहे होंगे अभी मैं घर पे था और अभी मैं तुरंत ही बाहर निकल आया, थोड़ी देर बाद बाहर निकल आया। एक्चुअल में मेरे को है ना यार मेडिसिंस लेनी थी, काफ़ी दिन से प्रेगनेंसी थी, ख़त्म होने वाली थी, आज लास्ट डोज बचा हुआ था, तो वो ही मेडिसिन लेने के लिए ही मैं बाहर निकला हुआ हूँ। मेडिसिन ले ली है मैंने। आज लगी है यहाँ पे मंडी सब्जियों की।
रुपए का, 40 रुपए का भरा, 40 रुपए का। ये क्या जाला निकालने वाला है क्या? कितने का ये? कितने का है? अरे 150 का सत्तर अंदर। चालीस रुपए का भरा, चालीस रुपए का भरा, चालीस रुपए का भरा, रुपए मारे मारे फिर रहे। सौ के कितने किलो? सौ के कहाँ फोन कर, आओ आगे से आ जाओ। हीटर वीटर कहाँ रखा है? हीटर खराब हो गया है, इसमें चैट जीपीटी की प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग चाहिए अब लोगों को। नहीं चल रहा क्या? नहीं, मतलब आज इंजीनियर बनना पड़ेगा मुझे। प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनना पड़ेगा आपको, सही प्रॉम्प्ट डालना पड़ेगा तभी चलेगा। स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर यहीं पर है। मिल गया मिल गया। इतना ढूंढना पड़ रहा है, टूल्स ही नहीं अवेलेबल है। इंजीनियर कोई भी हो, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस। नहीं मैं तो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन हूँ। कोई भी इंजीनियर, कोई भी हो इंजीनियर, जब आगे लग जाता है तो सब करना पड़ता है आपको। तुम्हारी बहन ने पक्का किसी ने किसी को बाहर से बोला होगा ठीक करवाने के लिए? नहीं बोला, पता है ना तीन इंजीनियर है घर में इसलिए। सो पूजा हो गई है, अब बहुत तेज लगी है भूख। अब देखता हूँ प्राची क्या बना रही है। प्राची, प्राची क्या बना रहे हो भाई? तो आज हम लोग फिर से पेश हैं एक नई रेसिपी के साथ, जिसमें ये थोड़ा सा तेल लग रहा है या रिफाइंड है, कुछ भी हो सकता है। कुछ नहीं है, लकड़ी की चम्मच है, ये कूल बनने के लिए इसे स्पैचुला कह रहे हैं, हमारे यहाँ तो चमचा कहा जाता है। ऑयल कुछ ज़्यादा लग रहा है मुझे, ऑयल ज़्यादा नहीं है। देखिए बिस्किट चोर दिख रहा है यहाँ पे, एक दूर से आपको बिस्किट चोर दिख रहा होगा। हाय बोलो ब्लॉग में हमारे। मैं के लिए खड़ी हूं, चाय पीना है। चाय जरूरी या पनीर? चाय। डिसाइड कर लो। और मैं अभी अभी गरारा करके आया हूँ, मेरा गला खराब हो गया है। ये आ रही है यहाँ पे, उड़ी उड़ी जाए। प्राची तीन टमाटर ले आना, खेत से लाने हैं, फ्रिज से नहीं। बाहर खेत में जाओ, खेत में बाहर खेत है, फिर से टमाटर लाने। यहाँ फ्रेश टमाटर आ चुके हैं हमारे, एक एक में ऐसा लग रहा है कुछ हो चुका है इसको, इसको पोलियो हो चुका है इस वाले टमाटर को। चेंज करवा दो, चेंज। नहीं नहीं, इसने बचपन में ड्रॉप नहीं भी। ओह माय गॉड, एक और डर लग रहा है इसमें। इसमें आप देखिए कैमरे को, अगर मैं पास लाऊं टमाटर का, एंडोस्कोपी करता हूं मैं टमाटर की, रहेगी कुछ तो गड़बड़ है इस टमाटर में। अब सीधे कश्मीर से आए हुए काजू से हम पेस्ट बनाएंगे, काजू का पेस्ट बनाएंगे। ये कश्मीर से आए हुए काजू हैं, ये नहीं नहीं अफगानिस्तान वाले हैं, तालिबान से हमारा सीधा रिश्ता है, ये तालिबान नहीं होने भेजे हमें, जंग का रिश्ता है, दोनों पाकिस्तान से चिढ़ते हैं ना, कॉमन एनिमीज। पनीर की जान निकल चुकी है, फ्लिप कर दो, रहने दो मुंह पे ही ना आ जाए कहीं ओवर ओवर में।
हाँ हो जाता है। मिल गया मुझे पानी, ये देखिए यहाँ पे हम हॉट वाटर पी रहे हैं। गंदा लग रहा पर कोई बात नहीं, पी लेंगे। ग्राइंडर लेके आओ भाई, एक टमाटर हो चाहिए। ये मेरी फैंसी बोतल की दिखा दो, मैंने इसलिए चुनी है। दिखा चुका हूँ मैं इसे व्लॉग में पहले से ही। हमारे यहाँ तो ऐसी फिनाइल की बोतलें होती हैं, तेजाब की बोतल भी ऐसी आती है, बचपन में पापा लाते थे नाली साफ करने के लिए। हटाए, प्रमोशन नहीं कर रहे धोनी का, वैसे भी उनने हुक्का पी लिया है। देखिए अब टमाटर कट रहे हैं, यहाँ पे चॉपिंग हो रही है, चॉपिंग। ओहो कोई नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, धुल के डाल देंगे हम लोग, किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। गिरा ही नहीं, नहीं नहीं गिरा है पर देखा किसी ने नहीं है। और एक तरफ हमारी चाय की प्रिपरेशन हो रही है, अदरक और वो देखो मिर्च। अरे कितनी बार बताएं, खेत से लेके आने, फ्रिज से ले आती है बार बार। ये देखिए यहाँ पे तुलसी डाली गई है, वैसे हम लोग डालते नहीं है पर आज वो तुलसी के पत्ते टूट गए गलती से, तो उनका यूज हो रहा है। इसमें थोड़ा सा धनिया भी डाल दिया हम लोगों ने, धनिया पुल और क्या तुलसी भी है ना, तुलसी और अदरक वाली चाय बनेगी। पड़ जाता है मिडिल क्लास फैमिली में, धनिया भी पड़ जाता है। लाएगा नहीं, जल नहीं रहा है बस, मार बहुत तेज जल रहा है, महक रहा है, ज्यादा मार पड़ गई है इसकी। महका नहीं, अब महका, हाँ महक रहा है, मेरी तो नाक दो नंबर, एक नंबर पे ही चलाऊंगा। भाई वैसे ही चला दे, जल्दी है दवाई लिख दे, पता नहीं क्या है, जल जाती है। देखिए देखिए रिचनेस, देखिए इसकी आप रिचनेस देखिए, देखिए तेल भी जल रहा है। कहीं का रखिए, हींग जीरा हल्दी मेथी, डरने की कोई बात नहीं है। ग्रेवी, ग्रेवी वो रखा है ना उसमें, लगा है ग्रेवी वाला। अब पड़ेगी इसमें लाल मिर्च, ये तीखी कम होती है और सिर्फ कलर के लिए है। अब ये कैशियो एंड टमाटर का पेस्ट जा रहा है इसमें, अब इसको थोड़ा सा चला देंगे और तब तक पकाएंगे जब तक ये ऑयल ना छोड़ने लगे और इसका कलर थोड़ा सा ब्राउनिश एंड रेडिश कलर हो जाएगा, हम तब तक इसको पकाएंगे। गाइस तो ये घी पड़ रहा है इसमें, सीक्रेट है ये, लोग बताते नहीं है। रणवीर वाला आप पीछे से डाल लेते होंगे, आपको नहीं दिखा रहे। ये हमारा डब्बा भी देख सकते हैं आप, ये टॉप गियर का डब्बा है और भैंस ने अभी अभी निकाल के ही दिया है ये दूध, उसी से घी बनाया हमने। हमारे पास गांव में भैंसें भी हैं, गाय भी है, और देखिए आप कलर देखिए, क्या क्या कलर आया है। अभी थोड़ा और ये ग्रेवी पकेगी, कैमरे में जस्टिस नहीं हो रहा है बट कलर इज लाइक मोर टू रेडिश नॉट येलो। बहुत ही बढ़िया स्मेल आ रही है गाइस, बहुत ही बढ़िया। टेस्ट का तो पता नहीं बट स्मेल बहुत अच्छी आ रही है।
और चाय बन चुकी है, पता नहीं 4 साल और चाय बनने में लगेगी। टेक्सचर देखिए, टेक्सचर देखिए, ये देसी मलाई है गाइस। अभी इसमें हमने थोड़ी सी मलाई डाली है, इसको हल्का सा चला रहे हैं। मलाई से गाइस वो रिच टेस्ट आ जाता है। इस कुकर का क्या नाम है? हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता ना, हमारे यहाँ तो सिर्फ एक ही कलर में होता है, काला कलर। अच्छा, ये डिजाइनर कुकर है। काला कुकर लाना था, काले कुकर में चढ़ाई है ना चावल। डिजाइनर कुकर पहली बार देख रहा हूँ भाइयों मैं तो। हमारे यहाँ तो एक ही रंग का होता है, इसी में बनता है, गरीब लोग सिल्वर में ही बनाते हैं। इसमें चावल अच्छे बनते होंगे गाइस, कुछ तो अंतर आता होगा इसमें चावलों का। कमेंट बॉक्स में डालो, आप लोग बताना। अरे वाह वाह वाह, देखिए कुछ चाय भी तो सही से कर नहीं पा रहे हैं। अरे भगवान, चाय नहीं चल पा रही है। नहीं नहीं, एक्सपीरियंस चाहिए चाय छानने में भी। अभी और कितना टाइम लगेगा? अभी कम से कम 20 मिनट यार। सो जाते हैं फिर गाइस, तब तक के लिए सो जाते हैं हम लोग, फिर मिलेंगे। पानी ज्यादा हो गया है नहीं, अभी सूखेगा थोड़ा, चलेगा ना। अभी पनीर को हम लोगों ने वो किया ना, फ्राई किया तो वो वरना वैसा रह जाएगा, थोड़ा हीट हो जाएगा टेस्ट, इसलिए थोड़ा सा बनाना पड़ता है। अभी तो कड़ी जैसी लग रही है, इससे क्या होगा? तो ये कहना निकाल दूंगा उसी से। नहीं नहीं, वो देखा था ना, वो ठंडी आइस करके निकालते हैं लोग। अच्छा, चिंचौन लोग निकालते हैं ना। खाना लग चुका है हमारा, खाने जा रहे हैं। टेस्टी पापड़ भी है साथ में, थोड़ा सा सैलेड। तो मिलते हैं आपको खाने के बाद।